सोलो फ्रेंड जो कोनो इस टाइप की जो है फिर फोटो एडिटिंग अगर आप लोग इस टाइप की फिर एडिटिंग सीखना चाहते इस वीडियो को लास्ट देखना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ ऐसे तो न्यू ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक की मदद से आप जो इस टाइप की जो है एडिटिंग जो इजिली कर पाएगी और आज के वीडियो का मल के होने वाले इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसा जो न्यू सीक्रेट ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से बहुत ही अमेजिंग सा फिर भी कर सकते हो। ठीक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दो इस तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक जो लेकर आता हूँ हमेशा तो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाने होगा आ जाने बाद इस ऐप को जो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। इस ऐप का नाम है लूमी ऐप। ठीक है इस ऐप के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया टूल्स के बारे में लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर थोड़ा और भी आपको टूल्स बताएंगे। ठीक है मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है मैं इस फोटो को जो है सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ फेस कैसे किया जाता है और बैकग्राउंड का कलर भी कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है पहले इस चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएगा लेकिन ठीक है तो यहाँ पर जो आपको एग्जिस्टिंग पहले क्लिक कर लेना और यहाँ पर क्लिक करने बाद जो सबसे पहले HSL पर क्लिक कर लेना। ठीक है यहाँ पर जो लाइटिंग के तरह इंटरफेस आपको खुल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर आने के बाद जो इस तरह से कलर को जो बैकग्राउंड के कलर को जो बहुत ही अच्छे अच्छे चेंज कर सकते हो। पहले ये तो हो गया आप लोग देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग सा है यहाँ पर तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है इस लाइटरूम की तरह। ठीक है वो तो बहुत ही अमेजिंग सा करके देगा। ठीक है ये बैकग्राउंड का हाईलाइट्स है। ठीक है जो जो लाइटरूम बना है ये भी सब यहाँ पर है। ठीक है आप लोग इसमें हमारा जो फेस वाइट हो रहा है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है मैं हर एक चीज़ को जो क्लियर बताऊँगा। ठीक है एक एक चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो हम जो एडिटिंग कर रहे हैं बहुत ही मस्त। ठीक है तो ये तो हो गया मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो आने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो एक सिलेक्टिव कलर मिल जाएगा। ठीक है सिलेक्टिव यहाँ पर जो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करने बाद जो यही पर जो आपको फेस सब करके देगा। ठीक है इसी टूल का जो आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है और यहाँ पर जो इसका जो प्रीमियम वर्जन है। ठीक है इस प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं जो आपको सबसे पहले फेस भी करके देता हूँ। ठीक है यहाँ पर जो ब्लर पर क्लिक कर लेना। ठीक है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोटो को जूम कर लेना। ठीक है ये फेस स्मूथ का है। ठीक है और ये जो हमारा साइज है ब्रश का और जो ऊपर का जो है अमाउंट है। ठीक है तो यहाँ पर जो हम जब इस तरह से पेंट कर देंगे ना तो हमारा फेस स्मूथ हो जाए। ठीक है यहाँ से जो अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देता है और आपको जो फेस स्मूथ करके हम दिखा देते हैं। ठीक है हम जो जब ऐसे ऐसे करेंगे हमारा फेस स्मूथ जो है हो जाएगा। ठीक है जैसे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में करते हो वैसे ही आप करोगे तो आपका फेस देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले जो हम इस तरह से करके लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस स्मूथ हो गया। ठीक है आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा बिफोर है देख सकते हो जितना आप फेस स्मूथ कर सकते हो उतना ले सकते हो। ठीक है बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। ठीक है फोटो को आप लोग फोटो देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है। तो इसको जो है हम हल्का से यहाँ से करके जो इसको डन कर लेते हैं। ठीक है और डन करने बाद जो है हम जब यहाँ पर जो है लाइटिंग पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारे फेस पर जो है लाइट बढ़ा गया देगा। ठीक है इसके अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लेंगे और इस तरह से जब करेंगे ना आप लोग देख सकते हो फेस हमारा वाइट हो रहा है। ठीक है बिल्कुल इस तरह से जी। ठीक है ठीक है इस तरह से कर सकते हो। मैं इसको जो बैक कर लेता हूँ। ठीक है मैं जो इसको फोटो को लाइट नहीं चाहिए फिलहाल के मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है उसे डन कर लूँगा और यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है यहाँ पर जो आपको एक एक क्लिक के अंदर जो बैकग्राउंड को रिमूव करके देगा। ठीक है रिप्लेस बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है यहाँ पर जो रिप्लेस बैकग्राउंड पर जब क्लिक कर लेंगे ना इस तरह से जो इंटरफेस आएगा। ठीक है यहाँ पर इंटरफेस आने के बाद आप लोग देख सकते हो बस एक ही क्लिक के अंदर जो है आपको जो बस यहाँ पर जो क्लिक कर लेना है और आपको जो एक ही क्लिक के अंदर बैकग्राउंड जो रिमूव हो जाए बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर भी कर सकते हो। ठीक है बहुत सारा ऑप्शन आपको बैकग्राउंड के मिल जाएगा। ठीक है यहाँ पर जो आपको इंटरनेट को ऑन होना चाहिए। ठीक है जब इंटरनेट को ऑन करोगे तो आपको जो है देख लेना आपका जो है बैकग्राउंड देख लेना ऐड हो जाएगा। ठीक है मैं जो अपने गैलरी का बैकग्राउंड को ऐड करके दिख देता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए बस। ठीक है आपको लाइव प्रूफ मैं सब बताऊँगा। ठीक है यहाँ पर जो हर तरह की ट्रिक जो आपको सिखाया जाता है। ठीक है आप लोग देख सकते हैं मैं जब गैलरी का बैकग्राउंड को ऐड किया हूँ देख सकते यहाँ पर डन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते बस एक ही क्लिक नीचे मेरा जो बैकग्राउंड में जो ऐड हो गया। ठीक है बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। ठीक है पहले भी आपको बताया था। ठीक है अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखा उस वाले वीडियो को देख लेना आपको जो सारा चीज़ जो पता लग जाएगा। यहाँ पर जो अपना जो है फोटो का ठीक है इस तरह से ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है सेचुरेशन को कम कर देना। ठीक है सर टोन को थोड़ा हल्का सा बढ़ा देता है। ठीक है अपने फोटो के हिसाब से और इसको जो है हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है एक तो यहाँ पर जो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जो इसकी यूज़ करते हो तो यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम वर्जन है। ठीक है अब लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है और हमारा फोटो के लिए इतना ही। ठीक है वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है और इस तरह की जो है टिप्स एंड ट्रिक और जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं तो इस तरह की जो है वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है और कमेंट बॉक्स में भी बोल देना। ठीक है तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।